पहले ये खुद भी अप्लाई कर चुके थे लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ था। तो आगे उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि हमने क्यों रिजेक्ट किया। वाह जी माशाल्लाह यार रोनी भाई रिजेक्शन ने बिल्कुल मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। बी वेरी ऑनेस्ट कि एक ये था कि आप इस्लामाबादी बॉय हैं तो उसका भी वो थोड़ा भी आ गया था परसेंट मुझे थोड़ी सी होगी। Attention, please. तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर MR सक्सेस स्टोरीज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे जो कि मेरे पास आया था एडमिशन क्लोजिंग डेट से 15 दिन पहले। तो एडमिशन ख़त्म होने सिर्फ 15 दिन रह गए थे और इनका फिर हमारे पास केस आया, वो हमने हैंडल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन आ गया। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और जाते ही हम उनको जूम सेशन पे बुलाएंगे। जिस तरह से आपको पता है कि सीरीज़ में अक्सर मैं लोगों को सरप्राइज़ देता हूँ, उन्हें अभी तक नहीं पता कि उनका एडमिशन आ गया। इन्हें होप्स थोड़ी सी कम थी क्योंकि एक तो बड़ा लेट हमारे पास प्रोफाइल आई थी और दूसरा ये कि पहले ये खुद भी अप्लाई कर चुके थे लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ था। तो ये कह रहे थे मुनीफ भाई अब आप पे ही है तो अब देखें कि क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, वाकई कहते हैं इस जगह को, दुकान आने वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं। हेलो चलो वो कहते हैं हमारी वीडियो ले गाड़ी में खड़ा था। ओके वो चीज़ें हैं जो मसले आ रहे हैं एप्लीकेशन में ना। अच्छा अच्छा अप्लाई हमने किया था, मेरा ख्याल है आपका एक तो केस बड़ा लेट आया था, रह गई थी हमारी चार पांच ही रह गई थी तब तकरीबन, ये पांच छह एक यूनिवर्सिटीज थी, छह यूनिवर्सिटी रह गई थी। आई थिंक जुलाई में आए थे आपने, जुलाई में कॉन्टेक्ट किया था, कब किया था? मैंने 1 जुलाई को आईएलटीएस का रिजल्ट फॉरवर्ड कर दिया था। यूनिवर्सिटीज थी इनकी एडमिशन क्लोजिंग डेट वॉज अराउंड 15 जुलाई। एडमिशन क्लोजिंग डेट 15 जुलाई थी, हाँ मतलब 15 दिन थे हमारे पास। क्या लगता है फिर अभी कुछ आई है रिजेक्शन वगैरह आई है कुछ यूनिवर्सिटी से, वो मैंने डिस्कस करना है। एक तो क्यों आई, आपको पहले मैं रीजन थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि किस वजह से आ रही है इतनी रिजेक्शन जो हमने अप्लाई किया। हालांकि जीपीए आपका ठीक है, जीपीए मैंने आपको जब केस लिया था तब भी मैंने बताया था जीपीए तो जी जी दूसरा मुनीब भाई आईएलटीएस मेरा 7 था अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो इसमें अच्छा था आपका। और दूसरा जो इंटर्नशिप्स थी वो भी काफी अच्छी लिहाज से तो अच्छी थी, यूएनडीपी की इंटर्नशिप इजीली, बाकी अल्लाह के हवाले अब क्या कह सकते हैं मुनीब भाई। ये वाला तो सीन है, थोड़ी टाइमलाइन का हो सकता है शायद लेट अप्लाई किया है इस वजह से, बड़ा शॉर्ट टाइम में अप्लाई हुआ है शायद इस वजह से भी। कोर्सेज आपने बताए थे इंटरेस्ट के थे आपके, जहाँ जहाँ पे अप्लाई कर रहे थे? यार मुनीब भाई बस इंटरेस्ट के तो नहीं थे लेकिन बस ये था हो जाए तो वहां पे जाके कुछ कर लेंगे ना, वो स्वाप कर लेंगे, या मेरा खुद का प्लान ये था दरअसल मुनीब भाई, मैंने कहा जब सिक्योर हो जाए तो वहां पे जाके पहला सेमेस्टर फ्रीज करके लैंग्वेज कर लूंगा, इस पे थोड़ा सा हाथ शाथ बैठ जाए, उसके बाद स्वाप मार लूंगा, जहाँ पे भाई होगा उसके पास चला जाऊंगा। तो भाई कहाँ पे आपके? मेरा भाई फ्रैंकफर्ट में, मैं भी अभी फ्रैंकफर्ट में हूँ। अच्छा 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 तो वो भाई बस जॉब सर्च वीजे वाला वो चल रही है, तो बस उसी में बिजी रह जाए। नहीं वे तो अच्छा है, लाइक उन्हें बता दे एडमिशन नहीं हुआ, लाइक चुपेड़े चुपेड़े कराने आ जाए, वो पास ही है वरना अक्सर तो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। एडमिशन नहीं होगा तो क्या प्लान है, भी रखा हुआ है बैकअप जो अभी नहीं गई था? यार मुनीब भाई फिर बैकअप यही है कि बस फिर वही जून जनवरी फरवरी का इंतजार करेंगे बस, और क्या हो सकता है। ये इस वजह से रिजेक्शन आ रही है, मैं दिखाता हूँ जरा स्क्रीन शेयर करके। क्या फील्ड है पहले आपकी, फील्ड एग्जैक्ट बता दो। मेरा है तो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के मैंने ज्यादा क्रेडिट आवर्स मेरे थे ही नहीं, कुछ एक दो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं लेकिन मेरा ग्रेड अच्छा था इसमें। तो क्रेडिट आवर्स का इशू आ सकता है फिर, नजर आ रहा मे बी बिल्कुल आ सकता है बिल्कुल। ये तो तो खैर जर्मन में लिखा है लेकिन जर्मन में लिखे हो ना, नहीं पढ़ा जा रहा लैंग्वेज तो अभी की नहीं है हमने। Herzlich Glückwunsch zum Wintersemester 2022. 2023. Bitten wir Ihnen ein Studium. मतलब आगे उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि हमने क्यों रिजेक्ट किया, नीचे फिर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया ताकि समझ आ जाए। वाह जी माशाल्लाह Finally! अभी मैं बेइज्जत हुआ हूँ अब्बू से। ठीक है ना, मैं कसम से ये लैपटॉप अपने सर पे मारने वाला था। बेइज्जत है क्यों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू से की बेइज्जत है पूरे की यार मुनीब भाई, साल से बैठा हूँ मैं घर, ठीक है ना, वो मेरी बहन है मुनीब भाई, शी इज अ गोल्ड मेडल, तो उसको ऑफरों पे ऑफरें आ रही हैं, ठीक है, बेचारा थोड़ा सा वीक हूँ इन चीजों में, वो मुझे रोज भाषण मिलता है। ग्रेट न्यूज यार मुनीब भाई, अल्लाह खुश रखे आप। एडमिशन हो गया सिक्योर,
पुश कर दिया है। पता है मैं अभी आधा घंटा पहले रो ही रहा था मोबाइल में, ठीक है ना। मैंने कहा ये फिर से कोई मसला हो गया, ठीक है ना, रिजेक्शन आने वाली। अल्लाह यार मुनीब भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मुनीब भाई असल खेल तो अब कहाँ रहा, अपॉइंटमेंट्स वाला। और हमारे दूसरा मुनीब जितने भाई पैसे इतने डीवैल्यू हो गए ना, वो जो ऊपर हमने पैसे रखे थे ना वो बिल्कुल चले ही, गए। वो भी वैल्यू ही नहीं रही। नहीं कहीं नो के एक बड़ी अमाउंट है, बट उस हिसाब से ना बिल्कुल कवर भी हो जाती है जब यहाँ पर आके। ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हो, लाइक पार्ट टाइम हाँ, जॉब्स नहीं करके या कुछ वो तो करके वो हो सही है, जाता है। वो नहीं भाई वो कोई वो मसला नहीं है। बस यूरो अब इट्स अराउंड 30 to 40 हो गया। हमने तो वो यूरोप पर डॉलर चला जो गया। था हाँ ऊपर चला गया ना। और दूसरा मैंने एग्जैक्ट अमाउंट रखी हुई थी ना जो रिक्वायरमेंट थी। अब क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आप क्या नेक्स्ट फील स्टेप कर रहे है, अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें। वीजा प्रोसेसिंग चीजें हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, ब्लॉक अकाउंट हैं? खुलवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का सारा काम करते हैं, जैसे ही होता है इंशाल्लाह फिर तैयारी भी कर लें। थोड़ा सा पता है मुनीब भाई टारगेट करें ये हमारे ये फील्ड्स है, उन्हें मीडिया भी स्टडीज के, टारगेट ये बहुत ज्यादा बॉयजेस है मुनीब भाई। अभी भी मेरे से एक मीडिया का बॉय मेरे में फंसा हुआ है कि यार फ्यूचर है, कोई स्कोप है, कि वीडियो रिकमेंड कर देता हूँ और खुद से अप्लाई करते हैं तो वो ब्रीमन वालों ने रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ नहीं रही थी कि किस तरह करें। पेशन लेटर पे उनने रिजेक्ट किया था, तो ठीक ठाक बड़ा लेटर लिखा था यार। मैंने कहा भाई मतलब आइल्स मेरा 7 है, मेरा ये है, मतलब मैं तो समझ रहा था कि आप लोग हार पहनाओगे मुझे। काफी थोड़ी देखते हैं ये लोग आपकी एप्लीकेशन ना, एक एक चीज देख रहे होते बिल्कुल हैं कितने बिल्कुल क्रेडिट पड़े हैं, मोटिवेशन बिल्कुल है नहीं है, वो बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल हमारे बिल्कुल साथ कैसा बिल्कुल। रहा है आपका? रियलिस्टिक बात बताऊं तो वो उस रिजेक्शन ने बिल्कुल मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज 3.5 इज अ वेरी गुड CGPA, ठीक है ना, मतलब एक पाकिस्तानी उसमें इट्स कंसिडर्ड गुड। तो हमें वो आइडिया नहीं था कि यार इसको फिल कैसे करना है, मोटिवेशन लेटर क्या है क्या नहीं है, बस अल्लाह का नाम लेके बस वो भेज। आपकी वीडियो से ये जो मैंने भेजा भी है ना, ये थोड़ा बहुत वो मस्टर अप करेज करके आपकी वीडियोस के थ्रू ही थोड़ा समझ आई है कि यार अच्छा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है, रीजनेबल भी है। आपको तो अप्रोच मैंने किया, आपसे पहले मैंने एक और को अप्रोच किया था, ही वाज आस्किंग 10 लाख रुपए फ्रॉम। 10 लाख जी, एडमिशन दस कराने के? दस लाख रुपए एडमिशन कराने की, एडमिशन और वो सारा द होल प्रोसेस, दे वर चार्जिंग लाइक जो 10 लाख रुपए फ्रॉम। मैं कर रहा हूँ आपका। जो आप कर रहे हैं ओके। एग्जैक्टली द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। और दूसरा वालिद साहब मेरे रिटायर्ड है मुनीब भाई, और तीन हम चारों एजुकेशन में है अभी भी, मतलब हर किसी को अफोर्ड करना भी उन पे मैं बर्डन नहीं डाल सकता। मतलब मैं 50 लाख रुपए अपना ब्लैक अकाउंट भी शो करूं और फिर 10 लाख रुपए कंसल्टेंट को भी दूं तो ज्यादती थी, ठीक है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा हेजिडेंट भी था, मैंने कहा यार बस पाकिस्तान में मास्टर्स कर ले। वल्ला पता है आप लोग वाज अ रे ऑफ होप, कसम से आप लोग एक वो शाइनिंग, वो डिस्काइज में, मतलब एंजल इन डिस्काइज वाले हिसाब था आप लोग का, ठीक है ना। पहले अरे तो मसला ये था आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे और इधर मेरी जान जा रही। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पता है अल्लाह अल्लाह खुश रखे, पता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी भी आई वाजंट एक्सपेक्टिंग के यार, मतलब मुझे यही था कि बहुत लेट हो, तो आई वाज स्टिल एक्सपेक्टिंग के वही जनवरी फरवरी में फिर से करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट नोटिस में, आप तकरीबन हमारे पास कोई 1 महीना था, ठीक है। आपने भी 15 मुझे दिन कहा था एक कि महीना भी नहीं। एक मैंने कहा बहुत कम टाइम है महीना बहुत। था और रिस्क है, आपने मुझे क्लियर कट कहा था रिस्क है, बस आइल्स दस्ती दे दो। बस उसी पे अल्लाह का नाम लेके मैंने आइल्स शाइल्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का वो है, फसल है। और जी बस बिल्कुल। वेरी गुड एक्सपीरियंस जी, पता है बस रिस्पॉन्स ऑलवेज ऑन टाइम, छोटी छोटी चीज आपने बताई है, बच्चों की तरह समझाई है। कौन करता है आजकल पता है, इतने मैंने पता है मुनीब भाई ब्रीमन का वो एक्सपर्ट्स का पेज मैंने फॉलो किया, 100 और पेजेस फॉलो किए। वल्ला एक मैसेज में लिखता था तो महीना महीना रिप्लाई नहीं आता था, कोई रिप्लाई भी करता था तो वो मजाया बस उसमें बोल देता शुगल कि में। यार शुगल में कि यार ये तो इतना आसान चीज है तो मैं ये नहीं समझ आ रही। और भाई मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे समझा दो, ठीक है मैं डम यार मुझे नहीं समझ आ रही। बस तो ये है कि वो लोग वो चीज कर चुके होते हैं ना, तो उन्हें लग रहा होता है कि बड़ा ही आसान है, लेकिन जो बंदा पहली बिल्कुल जी बार उसमें पड़ता है तो उसे तो आइडिया नहीं है। आप 4-5 साल अगर मैं बिल्कुल जर्मनी में बिल्कुल हूँ, बिल्कुल
मैं किसी को कहूँ कि उसे सब जर्मनी का पता होगा, तो ऑब्वियसली वो सीन नहीं होता। मैं इमेजिन करता हूँ अपने आप को बिल्कुल स्टेज पे जब मैं अप्लाई कर रहा था, और मैं हर चीज छोटी मोटी ना बड़ा कंफ्यूज रहता था, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, इतना उल्टा गाइडेंस की बजाय वो बंदा मिस गाइड हो जाता है। फेसबुक पे भी मैंने बहुत पोस्टें की ना जब शुरू में अपना प्रोसेस कर रहा था, एक बंदा आया इंटायरली डिफरेंट वे में बता रहा है, एक कह रहा है नहीं तू ये तो गलत बोल रहा है तुम ऐसे करो, एग्जैक्टली फिर ना एक आ जाता नहीं ये वो गलत बात बोल रहा है ही तुम नहीं ऐसे उनकी, करो। तो मैं कहता था एग्जैक्टली यार ना वो उनकी बात ही मिक्स हो रही है यार, मतलब वो एक आपस में बोलेगा क्लैश आइल्स कर नहीं रही थी। चाहिए, एक बोलेगा आइल्स चाहिए, ठीक है अब मैं किधर सर मारूं आइल्स दूं के ना दूं, ठीक है तो ये 7-8 महीने तो मैं इसी चक्कर में था कि आइल्स नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी बंदे ने मुझे कोई एश्योरिटी इतनी बड़ी दी थी, ठीक है ना, वो जर्मन चांसलर के नाम पे उसने एश्योरिटी मुझे दी थी कि भाई आइल्स नहीं चाहिए, तो मैं तो उसी उसमें था कि यार बस आइल्स नहीं चाहिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे मुझे मिल जाएगा, तो होता है कि एक बार मिल भी बस जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल मिलता, बट जाता है बिल्कुल मैंने अभी आपको ये कहा था कि चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके आइल्स से, और फिर आगे एम्बेसी में बिल्कुल भी इतने मसले नहीं आते, तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल है देना। और आप एक ही बार अप्लाई कर रहे होते हो तो बंदा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अप्लाई करे, मैंने आपको ये भी ये बिल्कुल कहा। जी ऐसा बिल्कुल भी ट्रस्ट फैक्टर कैसे बिल्डअप हुआ, लाइक आपने यूट्यूब पे देखा है, मिले तो है नहीं हम अभी तक, सही यूट्यूब के थ्रू ही देखा है मेरा ख्याल है, तो यूट्यूब आजकल तो के बंदा थ्रू मिल के देखा, भी ट्रस्ट नहीं करता अक्सर। वजीफा ही किया तो, और अल्लाह के नाम से बस क्या पता है, वल्लाह पता। पता है, इतने स्कैम्स हुए हैं ना, इतने स्कैम्स हुए, मैंने जब आपको भी पहली पेमेंट भेजी ना, वल्लाह मुझे 8-10 लोगों ने कहा पैसे गए थे, नहीं कोई करेगा तेरा, नहीं करेगा, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे खुद वालिद साहब भी वो स्टिल अभी तक ही उस क्वेश्चनिंग मी के यार वो कंसल्टेंट है भी के नहीं है ना, मैंने कहा अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, मतलब तो मैं मैसेजेस दिखा रहा था कि उनके ग्रुप के साथ, मतलब मेरा हर दिन कोई उनको, एक तो मैंने कहा हुआ था कि यार मुझे आप हर संडे अपडेट दिया करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हर संडे अपडेट देते थे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, और मैं वालिद साहब को दिखा सकता था कि अबू जी ये प्रोग्रेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है एडमिशन, और बस अब या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो ट्रस्ट फैक्टर तो मुनीब भाई पता है वो डिसहार्टन में इतना हो गया था कि बस अल्लाह का नाम लेके बस किया, और बस वो ब्लाइंडली ट्रस्ट ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ये था कि आप इस्लामाबादी बॉय हैं, तो उसका भी वो वो थोड़ा भी सा आ गया 50% मुझे थोड़ी सी वो था। हो गया यार, इस्लामाबादी बॉयज ठीक है यार, अगर कोई आना चाह रहा है हमारे थ्रू, कोई करता है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार कोई ट्रस्ट कर सकते हैं इन लोगों पे, नहीं कर सकते, आप क्या उसे कहेंगे यार अगर मैं एक बताता जेन्युइन हूँ मुनीब ओपिनियन देने भाई, का। मुनीब भाई आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ना, आई एम द लिविंग एग्जाम्पल के मेरा जब हो गया इन सच अ शॉर्ट टाइम, ऑड्स वर अगेंस्ट अस, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 महीने में ये चीज हो जाए, वल्ला अभी तक आई एम स्टिल डाउटफुल, ठीक है ना, वही जनवरी फरवरी तक बात जाएगी, तो अभी जब हो गया था मैं लिविंग एग्जाम्पल, अब एटलीस्ट मैं उनको बता तो सकूंगा कि यार हो जाएगा, ठीक है, होप है, मेरे ही क्लास के एक दो तीन लड़के हैं, यू नो दे वर होपिंग टू ज्वाइन मी एज वेल, तो अब इंशाल्लाह आई कैन, यू नो विद अ पॉजिटिव, उसमें मैं उनको रिकमेंड कर सकता हूँ कि भाई मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता आप रेफर करें, इंशाल्लाह उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि आप है, बड़े अच्छे इंशाल्लाह क्लाइंट जी, थे इस। मुनीब भाई आई हैड टू वेट 1 कंप्लीट ईयर, मेरा पूरा साल जाया, पूरा साल तब जाया हुआ, 10 महीने मैं खुद लगा रहा, और जब आप लोगों को अप्रोच किया तो ने 1 महीने के अंदर आप लोगों ने मेरा काम, तो ये आप लोगों की एक्सेलेंस, आप लोगों की वो चीज शो करता है कि यार आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे मेरा केस एक तो लिया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने एटलीस्ट मेरा केस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की तरफ से था, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया है, तो और आप लोगों की वो प्रोफेशनलिज्म को सलाम है जी, के आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरा वो लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह विद अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया, बड़ा अच्छा जजाक लगा आपसे बात करके भी, थैंक यू इतना अल्लाह जी, जजाक अल्लाह, जेनवन फीडबैक देने के लिए भी। जजाक अब अल्लाह, हम उम्मीद है कि जर्मनी में मिलेंगे, अगर मैं पाकिस्तान का तब तक चक्कर ना इंशाल्लाह लगा तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हसन भाई, खुशियां जरा मनाएं आप, जजाक अल्लाह जी, बताएं मुनीब सबको, भाई बता अल्लाह दें पैसे खुश कहीं नहीं रखे, गए मेरे, पैसे पैसे हलाल हो गए। जजाक अल्लाह जी, जजाक ठीक अल्लाह, है, जजाक अल्लाह चलो मुनीब भाई, अल्लाह खुश रखे जी, ओके, अल्लाह हाफिज, आपको अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।